अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जबार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 के लिए ओपन हो चुके हैं। तो आप इसमें ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको इसका मुकम्मल मेथड, एडमिशन के लिए अप्लाइंग मेथड स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप को इसकी लास्ट डेट भी बताने वाला हूं। तो कहीं मत जाइए, वीडियो मुकम्मल देखें। वीडियो देखने के बाद आपको इसमें ऑनलाइन एडमिशन अप्लाइंग के लिए आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाती है, QAU कायद आज़म यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर MPhil MS प्रोग्राम स्प्रिंग 2022। तो इस पोस्ट पे आने के बाद आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 के लिए MPhil PhD MS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये पोस्ट दोस्तों बेसिकली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट realstudy.pk की पोस्ट है, जिस पर हम आपको रिजल्ट के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, मेरिट लिस्ट के बारे में और जॉब्स के बारे में अपडेट्स देते रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर हम भी ये सारी अपडेट्स हासिल कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम ये सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो क्यों ना कि दोस्तों हम ये सारी अपडेट्स आपको वीडियो के थ्रू यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर भी देते रहते हैं। तो अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टडी सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उससे आपको इन सारी अपडेट्स के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो जैसे आप इस पेज पर आते हैं तो पेज पर स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो स्क्रॉल डाउन करने पर आप देख सकते हैं हमने इस आर्टिकल में आपको इसके रिलेटेड, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके टोटल प्रोग्राम बताए हैं आपको, ये कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको मुहैया कर रहे हैं। और उसके बाद जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई इन QAU इस्लामाबाद एडमिशन। तो आपको यहाँ पे रिटर्न भी हमने टाइप किया है कि आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली भी मुकम्मल मेथड बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। उसके बाद इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में किस तरह से जान सकते हैं। तो जैसे दोस्तों और हम थोड़ा सा पेज का स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आने पर आप देख सकते हैं हमने इस आर्टिकल में आपको इसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स हैं वो भी आपको बताया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करने में। और उसके बाद आपको इसके फीस स्ट्रक्चर्स बताए हैं, स्पॉट मॉर्निंग एंड इवनिंग रेगुलर सेल्फ कायद आज़म यूनिवर्सिटी के कैंपस के। तो उसमें आप देख सकते हैं आपको कैटेगरी वाइज आपको मुकम्मल इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया है। तो जैसे हम बिल्कुल एंड में आते हैं तो हमारे सामने एक बटन शो होता है अप्लाई नाउ का, तो ब्लू कलर में बटन है, हम इस ब्लू कलर के बटन पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है। तो जैसे बटन करते हैं तो हमारे सामने एक और न्यू पेज ओपन होता है यूनिवर्सिटी का। तो जैसे ही ये मेरे पास ओपन होता है तो आपको एक यहाँ पे एक चार्ट दिखाई देता है, उस चार्ट में आप के सामने आप देख सकते हैं एडमिशन ओपन स्प्रिंग सेमेस्टर 2022। तो इसमें आपको लास्ट डेट भी बताई गई है 2/2/2022। तो आपको इसकी फरवरी 2022 लास्ट डेट है इसकी। तो हम क्यों ना कि आज किस वीडियो में अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पे तो हमारे सामने एक और ओपन हो जाए जिसमें आप अपना जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे PhD प्रोग्राम लास्ट डेट और उसके बाद MPhil प्रोग्राम लास्ट डेट आ गई है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर थोड़े से बटन दिखाई देते हैं, होम साइन इन एंड अप्लाई नाउ हाउ टू अप्लाई। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हम इसमें अप्लाई किस तरह से करेंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई मेथड बता रहा हूँ। तो अप्लाई नाउ का बटन प्रेस करेंगे, रेड कलर में बटन है, आप माउस का कर्सर दे सकते हैं, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाता है जिसमें मैं सबसे पहले तो प्रोग्राम सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे हमें साइन अप होना पड़ेगा इसके एडमिशन के लिए, एडमिशन ओपन स्प्रिंग सेमेस्टर 2022। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे PhD प्रोग्राम सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर आप PhD में एडमिशन के लिए अप्लाई करें या फिर MPhil में, तो आप यहां से अपना प्रोग्राम करेंगे, चूज़ प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद आ जाएं फुल नेम पे। तो जो आपका फुल नेम होगा आप फुल नेम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मेरा नेम है उमर जबार, मैं यहां पे उमर जबार लिख देता हूं। तो जो भी आपका नेम होगा आप इसी तरह आज का मेथड कॉपी करेंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सेम मेथड आप कॉपी करेंगे। उसके बाद आ जाएँ ईमेल एड्रेस पर, तो ईमेल एड्रेस में आप वो ईमेल लिखेंगे जो आपके पास ऑलरेडी यूज़ में और आप
वैलिड ईमेल यहाँ पे लिखेंगे जो आपके पास ऑन होगी। तो क्यों ना कि अगर आपको ऑफिशियल की तरफ से कोई मेल भेजी जाए तो वो आप तक पहुँच सके, आपको रिसीव हो सके। तो जो आप मेल यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद कन्फर्म ईमेल, तो यही ईमेल आप यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद आ जाएं वेरिफिकेशन पे। तो बिल्कुल एंड में आपको आई एम नॉट अ रोबोट का एक बॉक्स दिखाई देता है, तो आपको इसी बॉक्स में एक छोटा बॉक्स दिखाई देता है। तो जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं तो इसकी लोडिंग हो रही है, अगर तो आपके सामने ये आ रहा है, अगर इसमें टिक हो जाता है तो आप इसमें वेरीफाइड हैं। अगर आपके सामने इस तरह से कोई पिक्स आती हैं तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्स, तो आपने यहाँ पे कार्स सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ कार सेलेक्ट करके, तो अगर आपको यहाँ पे कोई और चीज़ का बताया जाता है, या फॉर एग्जांपल आपको कैट दिखाए जाते हैं कि आप यहाँ से कैट सेलेक्ट करें और उसके बाद वेरीफाई का बटन प्रेस करें, तो आप सेम ऊपर रीड कर लेंगे कि आपको किसका कह रहे हैं, सिलेक्शन का कह रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, साइन अप का बटन प्रेस करेंगे बिल्कुल आखिर में, तो आप इसमें रजिस्टर हो जाएंगे। और उसके बाद इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप मज़ीद और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको इसी तरह बिल्कुल एंड में ब्लू कलर में रजिस्टर का बटन मिल जाता है। तो आप उसमें रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके उसमें रजिस्टर हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आज की वीडियो देखने के बाद आपको फिर भी कोई मसला पेश आ रहा है एडमिशन के लिए अप्लाई करने में, तो आप मुझे दोस्तों कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड जल्दी करूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारा यूट्यूब चैनल ये स्टडी सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को प्रेस करना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँच सके और आप भी उस वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें, अपडेट हासिल कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।